पहले कल खबरें ही आई थी कि वो दिल्ली में है, फरीदाबाद में, फिर ये भी आई कि मध्य प्रदेश में है। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर का चारा ग्रह बन गया है, और कहीं ना कहीं उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध उत्तर प्रदेश में भी थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बचता रहा। और ये सामने भी बहुत से नाम आए हैं, और दूसरे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनके संबंध रह गए, इसीलिए उसने यहाँ आखिरी में ये मध्य प्रदेश में आया और उज्जैन आया। और ये तो मैं कहूँगा कि ये महाकाल एक का जो वो है, उनका जो प्रभाव है, उसमें अच्छे अच्छे जो है जो गलत लोग जो शरण लेने जाते हैं, वो उनका यही हाल होगा। और इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए कि ये वहाँ से मध्य प्रदेश कैसे आया, और कौन कौन के संबंध लोगों के, नेताओं के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश आया कैसे इतना बड़ा कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसके यहाँ होंगे कोई शरण और सरेंडर का खेल है ये। कहीं ना कहीं उसको शरण दी गई थी और बाद में उसको जैन ने सरेंडर कराया होगा। शरण और सरेंडर का खेल है, क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर मध्य प्रदेश की तरफ ही उसने रुख क्यों किया, ये सब जांच के विषय है।